good morning to all the students welcome to the math class so in the last video we discussed uh, ninth question of exercise 3.2 now today we will discuss 10th question that in this वी हैव एक्सप्रेस ईच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर एसम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स तो बच्चे आपने इसमें कोई भी तीन और नंबर प्राइम नंबर देखने हैं ऑड प्राइम नंबर जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी वन आ जाएगा तो बच्चे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है दैट व्हेन वी ऐड टू Plus 5 plus 13. See students, these, uh, sorry, here it is 3. Now, these all the 3 numbers are prime numbers. So, first of all, you have to select only the prime numbers. And secondly, you have to select odd numbers. So, odd. And prime after that, you have to select those numbers after adding we get twenty-one. So we choose these numbers three, five, and thirty. So, students, when we add these three numbers, we get twenty one. Similarly, students, you have to find out three odd prime numbers so that you can get 31 by adding these three numbers you can get 31 so students like this you have to find out three numbers by adding the three numbers so that you can get 53 so students दिस इज़ योयर क्वेश्चन नंबर टेन इफ़ यू सी क्वेश्चन नंबर इलेवन दैन राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन ट्वेंटी वो सम इज़ डिविजिबल बाई फाइव तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपने ट्वेंटी से लेस लेस दैन ट्वेंटी आपने प्राइम नंबर देखने हैं तो लेस देन ट्वेंटी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं फॉर एग्जांपल टू टू इज़ ए प्राइम नंबर थ्री इज़ ए प्राइम नंबर ओके आफ्टर दैट फाइव सेवन ओके लाइक दिस यू हैव थर्टीन यू हैव फि सेवनटीन सो आफ्टर दैट एंड ऑल्सो यू हैव नाइनटीन तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं अब बच्चों आपने इनमें से इन ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं मैंने इनमें से ऐसे पेयर्स ढूँढने हैं पेयर्स मतलब जोड़े तो आपने ऐसे जोड़े ढूँढने हैं जिनको ऐड करेंगे तो जो आपका ऐड का रिज़ल्ट आएगा वो फाइव के टेबल में आना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मैंने एक पेयर यहाँ पे ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेक टू 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 प्लस थ्री नाउ स्टूडेंट्स ये मैंने पेयर ले लिया अब इसको ऐड करेंगे तो जो आपका ऐड आएगा वो आएगा फाइव फिर आपने चेक करना है कि ये फाइव के टेबल में आता है या नहीं आता तो क्योंकि ये फाइव है तो फाइव के टेबल में आएगा फाइव बन जाए फाइव सो दैट्स हमारा ये पेयर सही है उसके बाद आप दूसरा पेयर जो ले सकते हो वो जैसे ले सकते हो आप थ्री प्लस सेवेंटी तो स्टूडेंट्स थ्री और सेवेंटीन कितना होता है ट्वेंटी फिर आपने चेक करना है कि ये ट्वेंटी फ़ाइव के टेबल में आता है या नहीं आता सो एज वी नो फाइव फोर या ट्वेंटी तो ये फ़ाइव के टेबल में आता है तो इस तरीके से ऐसे आपने पेयर्स बनाने हैं उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है According to this question, we have to fill in the blanks. तो जैसे आपका first question है कि a number which has only two factors is called dash. तो आपको पता है बेटा कि जिसके दो ही factors हो, उसके उसको हम क्या कहते हैं? We call that as prime number. तो first fill in blanks में क्या हैगा prime number. उसके बाद अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर वो क्या है कॉम्पोजिट नंबर तो फर्स्ट में प्राइम सेकंड में कॉम्पोजिट वन इज़ नाइदर डैश नॉर डैश तो इसमें क्या आएगा कि जो आपका वन है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है तो डी में अगर देखोगे आप डी क्वेश्चन में तो वो पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं देखो वन तो प्राइम नंबर नहीं है ठीक है तो आप टू देखोगे टू क्या है प्राइम नंबर है तो वी नो दैट टू इज़ प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ टू और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कम्पोजिट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट फोर होगा क्योंकि टू वन ना तो कॉम्पोजिट है ना प्राइम है टू प्राइम होता है थ्री भी प्राइम होता है तो फोर क्या है फोर प्राइम नहीं हो नहीं होता तो इसी कारण फोर क्या है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट उसके बाद स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है स्मोलेस्ट इवन नंबर है टू वन क्या होता है और नंबर एंड टू इज द इवन नंबर सो इसमें टू आ जाएगा आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थ्री पॉइंट थ्री यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन Which of following numbers are divisible by टू by थ्री by फोर by फाइव and so on? तो so students हमें यहाँ pe ये बनना होगा कि कौन से numbers जो हैं वो divisible हैं इन नंबर्स के ऊपर जो लिखे हुए हैं ऊपर जैसे पहली लिस्ट लिस्ट है टू की तो हमें टू में देखना होगा कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल डिविजिबल हैं उसके बाद थ्री की है थ्री में देखना होगा तो इस तरह से बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वन ट्वेंटी एट तो वन ट्वेंटी एट को आपने टू से डिवाइड करके देखना है तो अगर तो वो टू से डिवाइड हो गया तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना यस तो आप लिख दोगे यस अगर नहीं हुआ तो आप लिख दोगे नो। उसी तरह से आपने 128 को थ्री से डिवाइड करके देखना है अगर तो वो डिवाइड हो गया और रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो आप लिख दोगे यस अदरवाइज अगर रिमाइंडर आ गया तो आप लिख दोगे नो। तो इसी तरह से आपने ये सारा क्वेश्चन करना है आप जैसे इसमें आप फोर में देखोगे इसमें आप फाइव से डिवाइड करके देखोगे नंबर सेम रहेगा ये वाला नंबर सेम रहेगा वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट को पहले टू से देखोगे थ्री से फोर से फाइव से सिक्स से सेवन से एट से नाइन से, से टेन से एंड एलेवन से अगर तो वो डिविजल हुआ डिवाइड हो गया रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस लिख दोगे अगर नहीं आया तो नो लिख दोगे इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपने वेरी ईजी क्वेश्चन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा यूजिंग डिजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन इसमें से कौन कौन से जो हैं नंबर्स जैसे ए से ले कर जे तक के जो नंबर दे रखे हैं इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो फ़ोर और एट से डिविजिबल हैं तो बच्चों सो स्टूडेंट्स इसमें आपने जैसे फ़र्स्ट देखना है फ़ाइव सेंटी टू तो आप देखोगे बेटा इसके लास्ट डिजिट क्या हैं सेवेंटी टू तो बच्चों इसके जो लास्ट टू डिजिट है सेवेंटी टू हैं वो देखने हैं आपने कि वो डिविजिबल हैं फोर से या नहीं है अगर वो फोर से डिविजिबल हैं दैन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई फोर इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है सेकंड क्वेश्चन में क्या है सेवन टू फाइव सेवन टू सिक्स थ्री फाइव टू ये देखना है आपने कि डिविजिबल है या नहीं है तो इसमें आपने लास्ट टू डिजिट देख लेने हैं बेटा लास्ट टू डिजिट देख के वो डिविज़िबल हैं फोर पे तो ठीक है अगर नहीं है तो जो पूरा नंबर वो डिविजिबल नहीं होगा तो लास्ट टू डिजिट कौन से हैं फिफ्टी टू है, है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये नंबर में लास्ट में लिखा हुआ है फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू को आप देख लोगे कि फ़ोर पे डिविजिबल है अगर तो वो हुआ तो मतलब पूरा का पूरा नंबर ही फिफ्टी फोर uh, पे डिविजिबल होगा इसी तरह से आपने ये जो है आपका एट uh, पे अगर देखना है तो कैसे करेंगे लास्ट थ्री डिजिट देखेंगे अगर तो फोर पे देखना है तो लास्ट टू डिजिट अगर एट पे देखना है तो लास्ट थ्री डिजिट तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें आपने डिविज़िबिलिटी देखनी है सिक्स के ऊपर इनमें से कौन कौन से नंबर सिक्स के ऊपर डिविजिबल हैं तो बच्चे सिंपली अगर अपने इनको देखना चाहते हैं कि वो सिक्स के ऊपर डिविजिबल हैं या नहीं हैं तो अपने देखेंगे कि ये नंबर जो हैं वो टू और थ्री पे डिविजिबल हैं या नहीं हैं तो सिक्स की डिविजिबिलिटी डिपेंड करती है कि कोई भी नंबर जैसे कोई भी नंबर है वो अगर टू पे भी डिविजिबल है और थ्री पे भी डिविजिबल है तो अगर वो दोनों नंबर के नंबर जो है वो दोनों टू और थ्री दोनों आ, के ऊपर डिविजिबल है देन वी कैन से दैट दैन नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय सिक्स तो स्टूडेंट्स टू से कैसे चेक करते हैं अगर आपने टू से चेक करना है कि कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है तो आप क्या करोगे उसका लास्ट डिजिट देखोगे तो लास्ट डिजिट अगर टू से डिविजिबल हुआ तो नंबर पूरा का पूरा नंबर ही टू से डिविजिबल होगा इस तरह से अगर आपने थ्री से देखना है कि थ्री से नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो आपने क्या करना है उसके सारे के सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है तो बच्चों जब आप पूरे के पूरे डिजिट को प्लस करोगे तो जैसे फर्स्ट है फर्स्ट में अगर आप सभी डिजिट जो हैं प्लस कर दोगे कैसे कि आपने ये डिजिट ले लिया तो इसमें है प्लस नाइन प्लस सेवन प्लस वन प्लस फोर प्लस फोर ये आपने डिजिट्स को प्लस कर दिया तो बच्चों ये प्लस करके आपका आंसर आता है ट्वेंटी सेवन कितना आंसर आता है ट्वेंटी सेवन तो अगर ट्वेंटी सेवन थ्री पे डिविजिबल है देन यू कैन से दैट नंबर इज होल नंबर इज डिविजिबल बाय द तो अगर सम इसका डिजिट्स का सम जो है वो थ्री पे डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल तो इस तरीके से बेटा आपने टू और थ्री के ऊपर देख लेना है कि नंबर डिविजिबल है अगर तो वो टू और थ्री के ऊपर डिविजिबल हुआ देन यू कैन से दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय सिक्स तो इस से तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास